बेनामी संपत्ति के कुबेरों पर सरकार कसेगी नकेल, कानून को लागू करने के लिए जल्द होगा संस्था का गठन। 1 नवंबर से लागू माना जाएगा बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर नहीं लगेगा टैक्स, वित्त मंत्री अरुण जेटली की सफाई। पीएम मोदी ने कल दिए थे LTCG पर टैक्स लगाने के संकेत। टैक्स चोरी करने वालों को वित्त मंत्री अरुण जेटली की चेतावनी। टैक्स जमा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी, टैक्स चोरों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। सात महीने के निचले स्तर पर बंद हुए बाजार। इंट्राडे में निफ्टी ने तोड़ा 7,900 का स्तर। सेंसेक्स 234, निफ्टी 77 अंक गिरकर बंद। आईटी और फार्मा की सबसे ज्यादा पिटाई। नए साल पर ग्राहकों को तोहफा देने की तैयारी में बैंक। SBI समेत दूसरे बैंक जनवरी से लेंडिंग रेट में कर सकते हैं कटौती। होम और कार लोन पर घट सकती है EMI। अब बेनामी संपत्ति पर एक्शन में IT विभाग। मायावती के रिश्तेदार समेत नोएडा के कई बिल्डर्स को नोटिस। करोड़ों के गड़बड़ झाले का शक। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को सौंपी 403 उम्मीदवारों के लिए। शिवपाल ने ट्वीट कर दिया अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी। 28 दिसंबर से रथ यात्रा पर निकलेंगे अखिलेश यादव। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। अंतिम दौर की तैयारियां पूरी। सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आयोग लेगा फैसला। अगस्ता वेस्टलैंड केस में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी को मिली जमानत। 2 लाख के निजी बॉन्ड पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दी बेल। दिल्ली NCR नहीं छोड़ने का निर्देश। भारत ने किया परमाणु क्षमता से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण। 6,000 किलोमीटर तक कर सकती है मार। ओडिशा के व्हीलर द्वीप से किया गया टेस्ट।